गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौसम में बहार का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द जो मौसम में बहार है, हमारे इर्द गिर्द में फूल खिले हुए हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त इस मौसम में बाहर से जो जापान और बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ आके, उनके रसूमात में से ये एक है, यहाँ आके मौसम मतलब फूल खिलते हैं तो वो मतलब विशेष करते हैं और ये हमारे मौसम को इंजॉय करते हैं। और हम लोग भी आप लोगों को ये मतलब मशवरा देते हैं कि इस मौसम पे यहाँ आएँ और इस मौसम को इंजॉय कर लें। जिस तरह हमारे हुंजा, गिजर, अस्तोर और देगर जो ज़िले हैं उन में इस वक्त का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होता है और हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मैं बाहर से जो दूसरे भी उनको गेस्ट को इनवाइट करती हूँ कि आए और यहाँ आके हमारे इस मौसम को इंजॉय कर ले और गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूटी को वो लोग देखें। इसमें ये मौसम के स्टार्टिंग पे जो होते हैं वो यहाँ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मौसम होता है, मतलब हल्की सी धूप निकलती है और फूल खिलते हैं, उस वक्त देखने का मंजर होता है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास कर ये यहाँ पर होता है। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम इस वक्त इंतहाई दिलकश और खूबसूरत हो चुका है। यहाँ के फ़ज़ाओं में इस वक्त जो है मुख्तलिफ दरख्तों के फूलों की खुशबू महक रही है, फूलों की खुशबू से यहाँ की फ़ज़ा महक रही है। इस वक्त हर तरफ फूल खिले हुए हैं, ग्रीनरी आई हुई है, हर तरफ ता हद नज़र सरसब्ज और शादाब मनाजिर हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल जो शहर के अंदर कपड़े इस्तेमाल करते हैं उन्हीं कपड़ों में यहाँ पर आराम से जो है आ सकते हैं और देख सकते हैं, इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ को देख सकते हैं, जैसे राकापोशी है, दीरान पीक है, केटू है, उसके अलावा नलतर वैली का विज़िट कर सकते हैं। तो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों से, बिलखसूस हमारे मुल्क के पाकिस्तान के सयाहों से, कराची के लोगों से, लाहौर के लोगों से गुजारिश है कि वो आएँ अपने इस गिलगित बल्तिस्तान में आएँ, यहाँ देखें उनको स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत खूबसूरत नज़ारे और मौसम यहाँ उनको मिले।